हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी चौहान, स्टूडेंट ऑफ श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट। फर्स्टली वी कम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्शन। अ पर्सन फिंगरप्रिंट आर बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ स्किन रिजेस कॉल्ड डर्मेटोग्राफ्स। ऑन द पैड ऑफ फिंगर्स दीज रिजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टॉप द पाम ऑफ द हैंड एंड द सोल ऑफ द फीट। Although the basic whorl, arch and loop pattern may be similar, the detail of pattern are specific to each individual. जो पर्सन की फिंगरप्रिंट रहती है वो बेस्ड रहती है स्किन रिजेस पे। स्किन रिजेस को डर्मेटोग्राफ्स बोलते हैं। ये पैड्स मतलब फिंगर्स के पैड्स पे प्रेजेंट रहती है, टोज पे, पाम पे प्रेजेंट रहती है और सोल ऑफ द फीट के सोल पे प्रेजेंट रहती है। और यही रिजेस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करती है, जैसे मेनली आर्च, लूप, वर्ल पैटर्न फॉर्म करती है। और जो बेसिक मतलब रिजेस का जो शेप, साइज और स्पेसिंग रहता है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड रहता है जेनेटिक फैक्टर से। कई सारी स्टडी में ये पाया गया है कि बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं पैटर्न्स के फॉर्मेशन के लिए। डर्मेटोग्राफ्स डेवलप्ड बिफोर बर्थ एंड रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ। द रिजेस बिगिन टू डेवलप ड्यूरिंग द थर्ड मंथ ऑफ द फिटल डेवलपमेंट एंड दे आर फुली फॉर्म्ड बाय द सिक्स मंथ। द फंक्शन ऑफ दिस रिजेस इज नॉट एंटायरली क्लियर, बट दे लाइकली इंक्रीज सेंसिटिविटी टू टच। जो ये डर्मेटोग्राफ्स रहते हैं ये प्रेगनेंसी मतलब बिफोर बर्थ से डेवलप हो जाते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के थर्ड वीक से डेवलप होना लगते हैं, सिक्स वीक तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। और ये थ्रू आउट लाइफ सेम रहते हैं, अनचेंज नहीं होते, यूनिक रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। और जो रिजेस का फंक्शन है वो क्लियरली तो इंटायरली क्लियर तो नहीं है, बट ये सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, सेंसिटिविटी टू टच। और विद द हेल्प ऑफ रिजेस ही हम किसी भी मतलब किसी भी सामान को अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वॉट आर फिंगरप्रिंट्स? फिंगरप्रिंट्स आर पैटर्न ऑफ फ्रिक्शन रिज स्किन। जो ये रिजेस रहती है ये पैटर्न फॉर्म करती है, वही फिंगरप्रिंट होती है। हर पर्सन की फिंगरप्रिंट डिफरेंट रहती है, यूनिक रहती है और परमानेंट रहती है। ये जो रिजेस रहती है वो डेवलप हो जाती है प्रेगनेंसी के थर्ड वीक से और ये थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। पैटर्न्स फिंगर्स एंड पाम्स ऑफ हैंड सोल ऑफ फीट एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हिल्स एंड वैलीज। जो ये जो रिजेस रहती है ये हैंड के पाम पे प्रेजेंट रहती है, सोल्स पे प्रेजेंट रहती है और फिंगर्स पे प्रेजेंट रहती है। तो दो रिजेस के बीच का जो गैप रहता है वो वैलीज कहलाता है। और यही रिजेस प्रेगनेंसी के थर्ड वीक से फॉर्म हो जाती है और थ्रू आउट लाइफ सेम रहती है। फिंगरप्रिंट पैटर्न्स। देयर आर थ्री बेसिक पैटर्न्स ऑफ फिंगरप्रिंट, आर्चेस, लूप एंड वर्ल। आर्चेस कैन बी प्लेन और टेंटेड, लूप्स रेडियल लूप और अन्ना लूप, डिपेंडिंग ऑन वेदर डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ द पैटर्न्स इज टूवर्ड इनर आर्म बोन रेडियस और आउटर आर्म बोन अल्ना। वर्ल मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन सेंट्रल पॉकेट, डबल लूप एंड एक्सीडेंट। डेवलपमेंट ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट रिजेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द थर्ड टू फोर्थ मंथ ऑफ फिटल डेवलपमेंट एंड देयर फॉर्मेशन कंप्लीटेड बाय द सिक्स मंथ। जो फिंगरप्रिंट रिजेस रहती है वो फॉर्म होती है थर्ड टू फोर्थ मंथ में और सिक्स मंथ तक पूरी कंप्लीट होती है। द रिजेस डज फॉर्म ड्यूरिंग द फिटल पीरियड डू नॉट चेंज देयर कोर्स और अलाइनमेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल अंटिल डिस्ट्रॉयड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ। ये जो रिजेस ये वो रहती है ये यूनिक रहती है और चेंज नहीं होती है जब तक स्किन का डिकम्पोजिशन ना हो जाए या स्किन। द एनाटॉमी ऑफ स्किन। जो पाम रहता है मतलब पूरा हैंड रहता है, फिंगर्स रहते हैं, वो किन किन लेयर्स ऑफ स्किन से स्किन के लेयर्स से बनते हैं? तो मेनली थ्री लेयर्स रहती है, द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इस ईच रीच ऑफ द एपिडर्मिस आउटर स्किन इज डॉटेड विथ स्वेट पोर्स एंड इज एंकर्ड टू द डर्मिस। ये जो मतलब फिंगर्स पर रिजेस तो रहते हैं बट उसी के साथ वहां पर पोर्स भी पाए जाते हैं। जो पोर्स रहते हैं वो एंकर्ड रहते हैं डर्मिस से। रिजेस अरेंजमेंट ऑन एवरी फिंगर ऑफ यू एवरी ह्यूमन बींग इज यूनिक। जो रिजेस का अरेंजमेंट रहता है हर पर्सन में, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट रहता है, यूनिक रहता है। फिंगरप्रिंट सर्व टू रिवील एन इंडिविजुअल ट्रू आइडेंटिटी। जो फिंगरप्रिंट रहती है वो मतलब सबकी एक अलग आइडेंटिटी, पहचान रहती है। फिंगरप्रिंट सबकी डिफरेंट डिफरेंट रहती है।
एपिडर्मिस वेरीज इन थिकनेस डिपेंडिंग ऑन द बॉडी एरिया एंड कंटेंट नो ब्लड वेसल. जो एपिडर्मिस की जो थिकनेस रहती है वो डिपेंड करती है बॉडी एरिया के ऊपर. आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज डेड एंड द इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज लिविंग. जो एपिडर्मिस की आउटर लेयर रहती है वो डेड रहती है और जो इनर लेयर रहती है एपिडर्मिस की वो लिविंग रहती है. जो एपिडर्मिस रहती है वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को थ्रू इवेपोरेशन. और एपिडर्मिस ऑल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर रिसेप्टर ऑर्गेन एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बैरियर. और ये मतलब सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी भी एपिडर्मिस में होता है. डर्मिस डर्मिस अ थिक लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू डेट कंटेन ब्लड वेसल्स कॉलेजन फाइबर्स नर्व एंडिंग ग्लैंड सेंसरी रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स एंड एयर फॉलिकल्स. डर्मिस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ब्लड्स टू द एपिडर्मिस. हाइपोडर्मिस अंडरनेट डर्मिस इज अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फैट सेल्स मैक्रोफेजेस फाइब्रोब्लास्ट एंड द बेस ऑफ द एसेसरी डर्मल पेपेले सेपरेट द एपिडर्मिस फ्रॉम द डर्मिस. जो डर्मल पेपेले रहता है वो सेपरेट्स करता है एपिडर्मिस को डर्मिस से. इफ एन इंजरी ओकर अबव द पेपेले फिंगरप्रिंट विल बी रिप्लेस्ड. इफ एन इंजरी ओकर द पेपेले स्केयर विथ मोस्टली ओकर एंड फिंगरप्रिंट विल बी स्लाइटली अल्टर. लिम डेवलपमेंट हैंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेज ऑफ फॉर्मेशन द हैंड अंडरगो सिग्निफिकेंटली चेंजेज इन टोपोग्राफी. अंटिल अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 weeks इज ईयर द हैंड अपियर्स एज अ फ्लैट पैडल लाइक स्ट्रक्चर विथ स्मॉल प्रोट्यूजन्स ऑफ टिश्यू. डेट विल बिकम फिंगर्स. फ्रॉम 6 to 7 weeks ऑफ इज ईयर दिस फिंगर प्रोट्यूजन्स इन द हैंड पैलेट बिगिन टू फॉर्म मसल्स एंड कार्टिलेज. डेट विल बिकम बोन एट लेटर स्टेज ऑफ हैंड ग्रोथ. मतलब ड्यूरिंग द 5 to 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में हैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. फर्स्टली जो हैंड रहता है वो एक पैडल लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है. देन धीरे धीरे उसमें टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है. 6 to 7 weeks में बोन्स मसल्स कार्टिलेज का डेवलपमेंट होने लगता है. एंड 7 to 8 weeks ऑफ प्रेगनेंसी में हैंड से जो फिंगर रहती है वो सेपरेट होने लगती है. हैंड ऑसिफाई होता है हार्डन होता है. एंड 8 week ऑफ प्रेगनेंसी में पूरे हैंड की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बन जाती है पूरा हैंड. वोलार पैड डेवलपमेंट वोलार पैड आर ट्रांजिट स्वेलिंग ऑफ टिश्यू कॉल्ड मेसेनकाइमा अंडर द एपिडर्मिस ऑन द प्लैमर सरफेस ऑफ द हैंड एंड द सोल ऑफ द फीट ऑफ द ह्यूमन फिटस. प्रेगनेंसी के 6 weeks से वोलार पैड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. जो मेसेनकाइमा टिश्यू रहता है वो अपने पूरे हैंड में स्प्रेड आउट रहता है. मतलब स्वेलिंग उसी के कारण अपने हैंड में ऐसा स्वेलिंग रहती है सॉफ्टनेस रहती है और बल्गी रहता है अपना हैंड. 6 weeks से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. 7 to 8 weeks में ये थंब से स्टार्ट होता है. थंब में थेनार नाम का टिश्यू डेवलप होता है. फिर इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर लिटिल फिंगर तक ये जाता है जहाँ आइपोथिनार टिश्यू डेवलप होता है. 8 weeks तक पूरा मतलब पूरा हैंड में डेवलप हो जाता है वोलार पैड. पाम में क्रिसिस बन जाती है. एंड 9 weeks तक पूरा वोलार पैड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है. वोलार पैड रिग्रेशन द पैड्स रिमेन वेल राउंडेड ड्यूरिंग देयर रैपिड ग्रोथ अराउंड 9 to 10 weeks ईजी आफ्टर विच दे बिगिन टू डेमोन्स्ट्रेट सम इंडिविजुअल वेरिएशन इन बोथ शेप एंड पोजिशन. ड्यूरिंग द पीरियड्स फ्रॉम 8 to 10 weeks ईजी थंब रोटेशन इज अचीव्ड. ऑल्सो एट अबाउट 10 weeks ईजी द फ्लेक्सियन क्रीजेस ऑफ द टोज बिगिन फॉर्मेशन फॉलोड एट अबाउट 11 weeks ईजी बाय द डिस्टेंट ट्रांसवर्ल फ्लेक्सियन क्रीजेस इन द पाम एंड एट अबाउट 13 weeks ईजी बाय द प्रोक्सिमियल ट्रांसवर्ल फ्लेक्सियन क्रीज इन द पाम. एज अ रिजल्ट द वॉलर पेड स्लोइंग ग्रोथ देयर कॉन्टोर बिकम प्रोग्रेसिवली लेस डिस्टिंक्ट ऑन द मोर रैपिडली ग्रोइंग सर्फेस. दिस प्रोसेस डिफाइंड एज पहले वॉलर पेड का डेवलपमेंट होता है जब वॉलर पेड रहते हैं राउंडेड शेप के रहते हैं. देन 9 to 10 weeks में ये प्रॉपर मतलब फिंगर्स थम्स पूरा हैंड को शेप देते हैं. 10 weeks तक इसका पूरा वॉलर पेड डेवलपमेंट क्लियर हो जाता है मतलब कंप्लीट हो जाता है. 11th week को प्रेगनेंसी में पाम की क्रीजेस बन जाती है.
एंड 13 वीक्स में पूरा पाम रेडी हो जाता है। वॉलर पेट का डेवलपमेंट पूरा हैंड पे कंप्लीट हो जाता है। वॉलर पेट रिग्रेशन, वॉलर पेट रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वॉलर पेट जो है वो रिग्रेट होने लग गया, ऐसा नहीं होता है। वॉलर पेट रिग्रेशन में मतलब जो वॉलर पेट की ग्रोथ रहती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और 16 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो वॉलर पेट रहता है वो पूरा कॉन्टर हो जाता है, मतलब इक्वली, मतलब पूरा हैंड फिंगर्स सोल्स पे कंप्लीटली कॉन्टर हो जाता है। प्राइमरी रीच फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ प्राइमरी रीच फॉर्मेशन, एट अराउंड 10 to 10.5 वीक्स बेसल सेल ऑफ द एपिडर्मिस बिगिन टू डेवलप रैपिडली एज वॉलर एपिडर्मियल सेल डिवाइड शैलो रेजेस कैन बी सीन ऑन द बॉटम ऑफ द एपिडर्मिस। 10 to 10.5 वीक्स के प्रेगनेंसी में ये डेवलप्ड, मतलब इनिशिएशन होता है प्राइमरी रीच का। जो बेसल सेल रहती है एपिडर्मिस की वो डिवाइड होने लगती है रैपिडली एज वॉलर एपिडर्मल सेल डिवाइड, और जो वॉलर पैड रहता है उस पे जो एपिडर्मल सेल्स से प्रेजेंट रहती है वो डिवाइड होने लगती है। जैसे जैसे ही रीजेस का फॉर्मेशन होता है तो जो ये रीजेस के स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस रहते हैंगे वो अपियर्स होने लगते हैं, जिसको लेजेस बोलते हैं, वो दिखने लग जाते हैं बॉटम ऑफ द एपिडर्मिस पे। प्रोपोगेशन ऑफ प्राइमरी रिज फॉर्मेशन, प्राइमरी रिजेस मैच्योर एंड एक्सटेंड डीपर इनटू द डर्मिस फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5.5 वीक्स फ्रॉम देयर इंसेप्शन एट 10.5 वीक्स ईजीए अंटिल अबाउट 16 वीक ईजीए। जो प्राइमरी रिजेस का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी रिजेस बनी है, वो मैच्योर होने लगती है और एक्सटेंड डीपर इंटू द डर्मिस, और वो मतलब डर्मिस के अंडर एक्सटेंड होने लगती है फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 to 5 वीक्स। इसको होने में 5 to 5 वीक्स लगते हैं और उसका इनिशिएशन, प्राइमरी रिज का इनिशिएशन होने में 10.5 वीक्स लगते हैं। तो ये ओवरऑल जो पूरी प्रोसेस होती है इनिशिएशन और प्रोपोगेशन ऑफ प्राइमरी रिज फॉर्मेशन, इसको कंप्लीट होने में 16 वीक्स लगते हैं। देन प्रोपोगेशन ऑफ प्राइमरी रिज फॉर्मेशन के बाद माइनोशिया फॉर्मेशन होता है। जो रिजेस रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप फॉर्म करती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में फॉर्म होती है माइनोशिया फॉर्मेशन। ऑल्दो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइनोशिया आर अनक्लियर, द सेपरेट अकाउंट्स ऑफ मैनी रिसर्चर हु हैव एग्जामिन्ड फिटर टिश्यू अलाउ फॉर अ फेयरली एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉर्फोलॉजी मॉर्फोजेनिस फॉर फिक्शन रिजेस इन द सक्सेसिव स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। फिगर इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ माइनोशिया फॉर्मेशन एज हाइपोथेसाइज्ड बाय अ जनरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लिटरेचर। माइनोशिया मीन्स रिच कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजेस का डिवाइड होना, अलग अलग शेप फॉर्म करना। मेनली 15 to 20 माइनोशियाज होते हैं, बाइफर्केशन, शॉर्ट रिज, एंडिंग रिज, आई इनक्लोजर्स, और ये रैंडम सीरीज में होता है। माइनोशियस का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मतलब मदर के वॉम में फिटस को कैसा डेवलपमेंट मिला, क्या 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 वेरिएशंस मिले टाइमिंग। सेकेंडरी रिज फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ सेकेंडरी रिज फॉर्मेशन, बाय 15 वीक ईजीए द प्राइमरी रिजेस आर एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ इन टू डायरेक्शन, द डाउनवर्ड पेनेट्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द अपवर्ड पुश ऑफ द न्यू सेल ग्रोथ। जनरली द एंटायर वॉलर सर्फेस इज रिज्ड बाय 15 वीक ईजीए। ओकाजीमा 1982 शोज अ फुली रिज पाम ऑफ अ 15 वीक्स ओल्ड फिटस। Between 15 and 17 weeks EGA, secondary ridges appear between primary ridges on the underside of the epidermis. Secondary ridges are also cell proliferations resulting in downfalls of the basal epidermis. Propagation of secondary ridge formation. As the secondary ridges form downward and increase the surface area attachment to the dermis, the primary ridges are pushing cell towards the surface to keep pace with the growing end. These two forces in addition to cell adhesion cause infolding of the epidermal layer above the attachment side of the secondary ridges. As secondary ridges continue to mature from 16 to 24 weeks EGA, this structure is progressively mirrored on the surface of friction ridges skin as the furrows. Thank you.